आप सभी एक बात तो ऐसे मानेंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी ये ऐसा नाम है कि आज पूरे विश्व गुरु कहलाता है। मैं फैसल खान, टुडे इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मानपुर पीएमजीपी कॉलोनी के में रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है। मानपुर पीएमजीपी बीजेपी कार्यालय की ओर से भारतीय जनता युवा मोर्चा व बिरजू की ओर से रक्तदान शिविर आयोजन किया गया वार्ड नंबर 142 में। वहीं युवा मोर्चा के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपनी उपस्थिति दिखाई। उपरोक्त अवसर पर बीजेपी के लोकप्रिय नेता धर्मवीर सिंह सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता की उपस्थिति दर्ज कराकर रक्तदान शिविर सफल बनाया गया। इसी तरह से हमारे बीच में युवा मोर्चा के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष है, आइए हम उनसे बात करते हैं। यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन रखा गया जिसका शिविर आयोजन किया गया है, सर आपका टुडे न्यूज में स्वागत है। आप यहाँ पे मानपुर में आए तो जो ब्लड डोनेशन प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पे रखा गया था, इसकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे राम मंदिर का विषय हो, या चाहे हमारी मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने का विषय हो, या फिर 20 लाख करोड़ के जो हमारे आत्मनिर्भर पैकेज जो पूरे देश को मिला है उसका विषय हो, तो आप सभी एक बात तो ऐसे मानेंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी ये ऐसा नाम है कि आज पूरे विश्व गुरु कहलाता है। उनके 70वें जन्मदिन के अवसर पर भारत में, समस्त देश में भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता, चाहे वो वार्ड स्तर का हो, मंडल स्तर का हो या स्टेट स्तर का हो, वो उनके जन्मदिन के अवसर पर एक सेवा सप्ताह नाम का कार्यक्रम जो पूरे 7 दिन हम लोगों की सेवा करके मनाते हैं, तो मुझे आज बड़े गर्व के साथ कहने में ये खुशी होती है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई ने माननीय मुंबई अध्यक्ष श्री बंगाल प्रभात लोढ़ा जी की अध्यक्षता के नीचे हमने ऐसे 70 ब्लड डोनेशन कैंप पूरे मुंबई में सभी 36 विधानसभाओं में हमने रखे, और हमारा लक्ष्य यह है कि 4,900 ऐसे ब्लड बॉटल्स हम माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष पर एक उपहार करके उन्हें दें। और मैं आज यहाँ शिवाजी नगर मानखुर्द असेंबली में खड़ा हूँ, तो मैं हमारे जिला के अध्यक्ष अनिश जोशी जी और बिरजू अलदर जी, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और खासकर हमारे सांसद माननीय मनोज कोटक जी जो पूरे ये सेवा सप्ताह के मुंबई के इंचार्ज है, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं ब्लड डोनेशन ड्राइव पूरे मुंबई में कर सकूँ करके। जैसा कि सर अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व के गुरु है, एक नौमी गिर चुकी है और भारत में बेरोजगारी खत्म हो चुकी है, गरीब दिन पे दिन गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं, इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया? नहीं, ये आंकड़े जो मुझे पता नहीं आपने कहाँ से आंकड़े आप लाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इकोनॉमी गिरी नहीं है, हाँ एक सेटबैक जैसा आया है, पूरे विश्व में आया है क्योंकि हम एक पैंडेमिक के जरिए गुजर रहे हैं कोविड-19 के, तो सभी को लड़ना है और मुझे लगता है कि एक थोड़े समय की बात है सब वापस ट्रैक पे आ जाएगा, और सभी को जो किसी को तकलीफ हुई अपने व्यापार में, किसी को नौकरी की तकलीफ हुई है, तो कुछ ही महीनों में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश इतने मजबूत हाथों में है, तो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी अपनी जादू की छड़ी चढ़ाकर अपनी मेहनत से भारत देश के एक व्यक्ति को वापस फिर से खड़ा करेंगे। जैसा कि यहाँ पे बिरजू ने आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, युवा मोर्चा की तरफ से शिविर ब्लड डोनेशन का आयोजन किया, तो उसके ऊपर उनकी हौसला अफजाई क्या? देखिए, मैं बिरजू अलदर जी पूरे टीम को कई साल से देख रहा हूँ, इसके पहले मैं महामंत्री के पद पर था, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ भी बोलूँ उससे ज़्यादा उनका काम इतने सालों से दिखने में आता है, तो मेरे बोलने की वैल्यू इतनी, जितना लोग बोले तो आम जनता बोलती है बिरजू अलदर उनकी टीम के लिए, तो यही उनके लिए सर्टिफिकेट है जब आम जनता उनकी तारीफ करती है। जैसा कि सर यहाँ पे ना विधानसभा के अध्यक्ष ने दिख रहे डॉक्टर तिर्के साहब, तो उनकी उपस्थिति यहाँ पे नहीं तो क्या करती है? ठीक है सर, मैं तो अभी आया, मुझे पता नहीं था, हो सकता है उनको उनकी तबियत ठीक नहीं, होम क्वारंटाइन, अभी मुझे पता लगा इस बारे में, होम क्वारंटाइन करके। भारत माता के जय। हमने मुंबई प्रदेश जो युवा के अध्यक्ष थे, हमने उनसे बात, हमारे देश के लड़के माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, हमारे इंशियन मुंबई के खासदार मनोज भाई कोटक और हमारे जिला अध्यक्ष अशोक राय जी, भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, इनके जन्मदिन के निमित्त हमें सप्ताह सेवा करके रक्तदान शिविर आयोजित किया है। हमारे यहाँ के सर्व रहवासी और हमारे यहाँ के बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, इनके सहयोग से हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। यहाँ मानपुर की जो
जो लोग यहाँ पे ब्लड डोनेशन कर रहे, रक्तदान कर रहे थे, उनको क्या मैसेज? भारत में रक्तदान का टुटोड़ा निर्माण हो गया है और हमें सबको मिलके यहाँ पे रक्तदान करना है और हमको रक्त शिविर आयोजित करके रक्तदान इंडिया को सप्लाई करना है। आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है और नई मुंबई में, मुंबई में सब जगह जैसे जैसे कार्यकर्ता के मन में उत्सुकता है और उनके मन में एक लगन है जो कि ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम में दिख रही है। आज यहाँ 25 डोनर है और हो गए हैं और कंटिन्यू में डोनर चालू है। इसे जो यहाँ पे आज ब्लड डोनेशन रखा गया है, क्या कहेंगे? इस प्रोग्राम के आयोजक माननीय श्री बिरजू हल्दर जी, विधानसभा के युवा अध्यक्ष हैं, ईशान्य मुंबई के लोकप्रिय खासदार माननीय श्री मनोज कोटक जी के निर्देशानुसार भारत के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये ब्लड डोनेशन कैंप मानकोट में वार्ड नंबर 135 में रखा गया है और 142 में, और बहुत लोगों ने इस ब्लड डोनेशन कैंप में अपनी उपस्थिति उपलब्ध कराई है। मतलब लगभग कितने लोगों ने यहाँ पे ब्लड डोनेशन किया है? अभी तक 30 लोगों ने ब्लड, 50 हो गए, 50 लोगों का डोनेशन हो चुका है। जो यहाँ पे ब्लड डोनेशन किए लोगों ने, उनको आप भारतीय जनता पार्टी के तरफ से क्या मैसेज देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही है कि उन्होंने जो अभी ब्लड डोनेशन दिया है, उन्होंने किसी न किसी की तरफ मतलब हेल्प की है किसी की, तो इस एक ब्लड डोनेशन की बोतल से किसी एक को हेल्प मिलने वाली है 100%, तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और आगे उनको कुछ जरूरत होगी तो हम उनके काम आने वाले हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश है जो कोरोना काल में, महाकाल के अंदर आत्मनिर्भर बनी है, और इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए अभी जो सिचुएशन ऐसी है कि खुद को ही सेफ मोड में लेके चलना है सभी को। अभी दवा तो उपलब्ध नहीं है फिलहाल और सबको सेफ्टी में रहना है। ये थे धर्मवीर सिंह जी और बिरजू जी से हमने बात किया। यहाँ पे ब्लड डोनेशन किया गया है और भी इसी तरह से हेमंत भास्कर जी, ये हेमंत भास्कर जी से हम बात करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। पूरे नाम में आपका स्वागत है। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर आप देख रहे हैं युवा का उत्साह। जो आयोजक बिरजू हल्दर जी है, युवा मोर्चा के अध्यक्ष, इन्होंने कार्यक्रम का आयोजन इतने अच्छे तरीके से किया है, उत्साह के साथ युवा सम्मिलित है। गए सेवा सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा में स्वच्छता के बारे में, फलफूल वाटप के बारे में, ऐसे अनेक उपक्रम, वृक्षारोपण का आयोजन, ऐसे अनेक उपक्रम के माध्यम से कार्यक्रम सेवा सप्ताह में चालू है। इसी माध्यम से एक विषय लोगों तक जाना है कि जिस देश के प्रधानमंत्री ने सेवा ये परम धर्म है और सबको सीख के साथ सम्मिलित होना ये जो उनका आह्वान था, उसी विषय को लक्ष्य में रखते युवाओं ने जो कार्यक्रम रखा है उसके लिए मैं सबको चलता। जैसा कि देखा कि हमने सभी जो बीजेपी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी थे, हमने बात किया और यहाँ पे भारी पैमाने में ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया है मानपुर के अंदर। इसी तरह से देश प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे टुडे इंडिया न्यूज़। मैं फैसल खान, मुंबई।